नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ खबर और मैं हूँ कृतिका भटनागर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों को विपक्षी दलों ने एक बार फिर समर्थन दिया है। कांग्रेस समेत 12 बड़ी विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के ताज़ा फैसले का समर्थन किया है। कोरोना संकट के बीच संयुक्त किसान मोर्चा 26 मई को देश भर में प्रदर्शन करने की बात कर रही है। इस दिन किसान आंदोलन को शुरू हुए 6 महीने का वक्त पूरा हो जाएगा। 12 विपक्षी दलों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में जो ताज़ा बयान जारी किया गया है उसमें 12 मई को लिखे गए पत्र का भी जिक्र है। इसमें नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई थी। कहा गया था कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, इससे आंदोलन कर रहे किसान सीमाओं से लौट जाएंगे, इसके लाखों अन्नदाताओं को महामारी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। कोरोना लॉकडाउन के बीच भी हजारों किसान आज रविवार को हरियाणा के करनाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां वे 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बना रहे हैं। इसी के साथ पंजाब के संगरूर से भी कई लोगों के दिल्ली के लिए रवाना होने की खबरें सामने आ रही थी। तो वहीं सोनिया गांधी, एचडी देवगौड़ा, शरद पवार, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे समेत आम आदमी पार्टी और कई दिग्गज नेताओं ने भी किसानों के इस प्रदर्शन के आह्वान का समर्थन किया है। इन सभी पार्टियों ने मांग उठाई है कि किसान संगठन संघ सरकार को फिर से बातचीत करनी चाहिए। देश में चल रहे कोरोना संकट के बीच जहां एकजुटता की जरूरत है, वहां किसान संगठन अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। साथ ही अब उन्होंने 26 मई को अपने आंदोलन के 6 महीने पूरे होने को लेकर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसे लेकर राज्यव्यापी लॉकडाउन के बीच भी हजारों किसान आज रविवार को रवाना हुए, जहां वे 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह के नेतृत्व में किसान बदस्ता टोल प्लाजा से सैकड़ों वाहनों में सवार होकर दिल्ली के पास सिंधु बॉर्डर पॉइंट के लिए रवाना हुए। किसान नेता ने कहा कि 26 मई को किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए पूरे 6 महीने हो जाएंगे और इस दिन को किसान काला दिवस के रूप में मनाएंगे। चौधरी ने कहा कि किसान करनाल से रवाना हो चुके हैं ताकि दिल्ली के अलग अलग जिलों में आंदोलन का अच्छी तरह प्रतिनिधित्व किया जा सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।